एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर. सो गाइज, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस. एज यू नो कि हम डी ट्रिपल एस बी एच टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं. ये डे 7 की वीडियोस हैं. जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है डे 1 टू डे 6 वीडियोस आ चुकी हैं. जो फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना. 1 to 6 डेज की वीडियोस में आपको सेट रिलेशन फंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में. कल जो मैंने आपको क्लास दी थी उसमें ये दो क्वेश्चंस मैंने एज अ होमवर्क आपको गिवन थे कि ये आपने सोचना है और इनके बारे में डिस्कस करना है अपने आप से कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है. डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है. इसमें भी डोमेन ऑफ द फंक्शन है. ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने एक साथ क्यों दिए, उसका एक रीज़न है कि लोगैरिथम लोगैरिथम लॉग फंक्शन को देख के ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट ना थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं इसका डोमेन क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि y इज इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन है ठीक है, तो x की जिन वैल्यूज के लिए, x की जिन वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन डिफाइन करे, एफ एक्स डिफाइन करे, वो x क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं. ऐसे ही नहीं कि कहीं से कोई मन मर्जी एक्स आया और आपने फंक्शन में पुट कर दिया और उसने डोमेन बना दिया, बिल्कुल भी नहीं. एक्स की जो वैल्यूज पुट करेंगे और ये फंक्शन उसके लिए डिफाइन करेगा वही डोमेन बनाएगा. अब एक बात बताओ भाई, हम एक्स को कुछ पुट कर रहे हैं, फंक्शन कोई रूल होगा, सपोज जैसे कि एफ एक्स कहेगा भाई मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू की तरह खुलता हूँ. तो एक्स को आपने कुछ वैल्यू पुट करी, आंसर में फीडबैक में एफ एक्स कोई वैल्यू देगा आपको, है ना, तो वो वैल्यू किसकी होगी, वाई की. तो वाई की वो वैल्यू बन जाती है इमेज पर्टिकुलर उस एक्स के लिए जो आपने पुट किया था. और इमेजेस का सेट क्या बनता है, रेंज. इमेजेस वाई जो निकलेगा वो आपका इमेज में काउंट होगा और इनसे बनने वाला जो सेट होगा वो आपकी क्या होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन. तो ये बात क्लियर हो गई कि डोमेन और रेंज क्या होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए पूछा जा रहा है, दैट मीन्स हमें x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन करे. सीधी सी बात है, x की वो वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए फंक्शन आपका डिफाइन करे. अब समझो ध्यान से, ये लोगेरिथम वाला फंक्शन का क्या रूल है. सिंस लॉग x जो है ये आपका डिफाइंड करेगा जब आपका x क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, लॉग के बारे में फिलहाल आपने यही याद रखना है. लोगैरिथम जब चैप्टर होगा सेट रिलेशन फंक्शन के बाद, लोगैरिथम कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल कंप्लीट आपको सीरीज करवाई जाएगी. और एक दिन में ही नहीं, मतलब कंप्लीट अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए, सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाऊंगी, फालतू इधर उधर का नहीं. ठीक है, तो लॉग एक्स जो है वो डिफाइंड कब करेगा, जब एक्स आपका पॉजिटिव होगा. क्लियर, आओ भाई अपने लॉग के पास. अब आपको कहोगे मैम यहाँ तो 1 2 3 लोग हैं, है ना, तो हम कौन से लॉग से शुरू करें. भाई मेन आपका लॉग ये वाला है, बाकी सब इसके साथ ये पूरा क्या है, एक्स है. ठीक है, मान के क्या चलोगे, ये लॉग बेस तो हो गई कोई ना कोई बेस ए. ठीक है, ए के ऊपर भी कई कंडीशन होते हैं, लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या लेस देन 0, वो लॉग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. फिलहाल इतना समझिए कि लॉग ए एक्स पूरा ये हुआ, ये तब डिफाइन होगा जब ये पूरा एक्स पॉजिटिव होगा. तो मैं कहूँगी लॉग 4 ब्रैकेट में जो भी है वो कब डिफाइंड होगा, जब आपकी ये ब्रैकेट वाली चीज़, क्योंकि देखो यहाँ तो एक ही एक्स पड़ा था तो हमने उसे एक ही एक्स को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया ना, लेकिन 4 के साथ तो ये पूरा एक नंबर है बड़ा, जब ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव. और नंबर क्या है, लॉग 5 ब्रैकेट शुरू, लॉग 3 ब्रैकेट शुरू, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0. आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे लॉग 5 लॉग 3 ब्रैकेट 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ये समथिंग लिखा हुआ है. तो मेन रिजल्ट आपका आ गया, कंडीशन लॉग 5 लॉग 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 दैट शुड बी पॉजिटिव. क्लियर है, अब सुनो ध्यान से, लॉग 5 बेस है ना, तो 5 उधर चला जाएगा और 5 की पावर 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ इतना पार्ट,
log 3 ब्रैकेट 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 दैट इज ग्रेटर देन 5 उधर गया 5 की पावर 0. नाउ अब फिर वही काम 5 की पावर 0 क्या हो जाएगी 1. इसको रब करके मैं यही लिख देती हूँ 5 की पावर 0 1. 3 है 3 को फिर वहाँ ले जाएंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा. जैसे लॉग 5 में 5 उधर गया तो इधर वाला पार्ट बचा. 3 है 3 उधर चला जाएगा ये पार्ट बचेगा. 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3 की पावर 1. सॉल्व कीजिए इसको. 3 की पावर 1 तो 3 रहेगी, बाकी सब उधर ले जाओ. एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 प्लस 3 ग्रेटर देन 0. क्लियर. एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 दैट इज ग्रेटर देन 0. अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 ग्रेटर देन 0 आ रहा है. सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके 80 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपका माइनस 18 बने, तो वो आप कैसे करोगे. माइनस 10x और माइनस 8x प्लस 80 ग्रेटर देन 0. यहाँ से आपका फैक्टर आएगा एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 10 माइनस 8 एक्स माइनस 10 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. और इसके आगे है एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 8 दैट इज ग्रेटर देन 0. अब एक बात समझ लो यहाँ ध्यान से, ये क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप. x माइनस 10 एक्स माइनस 8 ग्रेटर देन 0 आ रहा है. ठीक है, यहाँ तक आपका रिजल्ट आ गया. तो मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि अब इस रिजल्ट पे मैं आपको दो बातें समझाऊंगी जो आपको बाद वाले क्वेश्चंस में भी काम आएंगे. एक क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत सारे रूल सीखते हो. एक एग्जांपल भी अगर आप ध्यान से समझ रहे हो ना तो आप बहुत सारे ऐसे रूल समझ रहे हो जो बाकी आने वाले एग्जांपल में बहुत हेल्प करेंगे आपकी. तो किसी भी चीज़ को मिस मत कीजिए. एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 8 दैट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब इसमें समझने वाली क्या बात है. इसमें समझने वाली ये बात है कि अगर दो लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, और अगर इन्हीं दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट नेगेटिव होती तो आपका x कहाँ से कहाँ तक लाई करता. ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है. ये आपका पॉजिटिव नहीं, लेस देन वाला साइन आएगा क्योंकि जो आपका 18 माइनस क्या चल रहा था लास्ट वाली इक्वेशन में 18x माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ थोड़ा मिस कर दिया मैंने माइनस 77 ग्रेटर देन 3 ये चल रहा था ना. तो जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो x वहाँ गया तो ये लेस का साइन है, इधर 0 रहेगा. मैं इस पूरी वैल्यू को वहाँ लेके गई थी, इसको भाई ये थोड़ा गलत हो गया था, इसको ठीक कर लेना. यहाँ माइनस 18x प्लस 77 और ये प्लस 3. ठीक है, अब ये x वाली वैल्यू क्या है, लेस देन 0. ठीक है, वो गलती से ग्रेटर का साइन लिखा गया तो कई बार हो जाता है, ऐसे करते हुए मिस्टेक हो जाती है. 18x प्लस 80 दैट इज लेस देन 0. क्लियर, अब ये जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया लेस देन 0, यानी हमारा तो ये वाला केस है. लेकिन मैं आपको समझा दूंगी जब ग्रेटर वाला केस हो तब क्या करना है. तो पहले अपने एक ही केस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, कंफ्यूज ना होना, ये गलती सुधार ली आपने, दैट इज लेस देन 0 ये. ठीक है, अब समझो ध्यान से, ये एक लीनियर फैक्टर है और ये भी कौन है, लीनियर. जब दो लीनियर की प्रोडक्ट नेगेटिव हो, ध्यान से समझो, जब दो लीनियर की प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो x की यहाँ से वैल्यू 10 और यहाँ से 8 है, तो x आपका जो बिलोंग करेगा वो लोअर टू अपर नंबर के बीच में करेगा. दैट मीन्स x आपका छोटे नंबर से बड़ा और बड़े नंबर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा. ठीक है, बात समझ आ गई. जैसे ये आपका 8 है ये आपका 10 है तो x उस टाइम इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा. क्लियर, कब, जब दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, नेगेटिव होगी. अब मान लो बाय चांस, ये आपका एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, बाय चांस x माइनस 10 और x माइनस 8 आपका पॉजिटिव होता, यानी दो लीनियर फैक्टर पॉजिटिव हैं, तो क्या करते, तो जो x है ना छोटा ले लो छोटे नंबर से और बड़ा ले लो बड़े नंबर से. ठीक है, इन दोनों लीनियर को जीरो पुट करो. x माइनस 8 को जीरो करोगे तो x आएगा 8, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10. तो अब दो वैल्यू आपके पास है 8 और 10. तो छोटी वैल्यू से
छोटी, एक्स छोटा रहेगा और बड़ी वैल्यू से बड़ा रहेगा। यानी रियल लाइन में देखें तो अगर ये 8 है और ये 10 है तो एक्स 8 से छोटा यानी उसकी लेफ्ट साइड और एक्स 10 से बड़ा यानी उसकी राइट साइड। तो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 8 यूनियन 10 से इन्फिनिटी, और यहाँ जो है वो आपका एक्स बिलोंग करेगा 8 to 10। ये बात समझ आ गई, ठीक है। इस तरह से ये दो इंटरवल्स हम बनाते हैं। इक्वालिटी का साइन अगर होगा तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, अदरवाइज ओपन। तो ऑप्शन देखिए 8 to 10 ये ऑप्शन है, दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया, रिपीट कर लेते हैं। लॉग वाला फंक्शन आए और इसमें डोमेन निकालना हो तो लॉग के साथ जो भी है दैट शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है, इसको पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो लीजिए। उसके बाद सिर्फ आपने अपने क्वेश्चन को एक्स के लिए सॉल्व करना है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक आपका लाई करता है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन ऑफ फंक्शन दिस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आ जाओ इधर इस ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये तो हमारा सॉल्व हो गया, सी ऑप्शन आंसर था। ये देखिए सॉल्यूशन, फंक्शन मैं लिख रही हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू log 2 log 2 log 2 एंड सो ऑन log 2 x, ठीक है। और ये कितने टाइम्स जा रहा है, n टाइम्स। ये log 2 एक तरह से आपका क्या चल रहा है, n टाइम्स, ठीक है। अब देखो भाई इन क्वेश्चंस में क्या करें, यहाँ आपका ये फंक्शन है x, है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। वही शुरुआत वहीं से करेंगे कि आपका ये फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन ये आपका n टाइम्स यानी बहुत n बार चल रहा है, तो n टाइम्स यानी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन टाइप से है, बट मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। ये फंक्शंस n टाइम्स मतलब 2 आपने कितनी बार ले लिया, आपको क्लियर नजर आई। यहाँ तो आपका फाइनाइट टाइम्स था तो आपने सॉल्व कर दिया, बट यहाँ आपका n टाइम्स है तो आपको ये भी एक सीरीज बनानी पड़ेगी। पहले एक पेयर उठाओ, फिर उसके साथ दूसरा 2 लगाओ, फिर तीसरा, फिर ये देखो आपका फंक्शन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऐसे, जब n टाइम्स वाला केस आएगा तो स्टार्टिंग हम लोग लेंगे यहाँ से। हम कहेंगे x आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है भाई, फंक्शन डिफाइन करेगा x पॉजिटिव के लिए। फिर हमने एक log 2 लगा दिया, log 2x, log 2x क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव। यानी जो x है वो ग्रेटर होगा 2 की पावर 0 से। ध्यान से समझो, जब मैंने एक log 2 यूज़ करा है तो 2 की पावर 0 से बड़ा आ गया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ इसके साथ एक और log 2 लगा है, क्योंकि डैश डैश में बहुत सारे log 2 लगे हैं ना, log 2x ग्रेटर देन 0, भाई ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखो फाइनाइट वाले केस में हमने क्या किया था, हमने यहाँ से शुरू किया था, दिट शुड बी पॉजिटिव, उसके बाद यूज़ करा था ये पॉजिटिव, फिर ये वैल्यू अपने आप ग्रेटर देन जीरो के वाले टर्म के पास चलेगी। यहाँ क्या कर रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, क्योंकि n टाइम्स है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर x पॉजिटिव है तो एक log 2x क्या रहेगा, पॉजिटिव। उस केस में x आपका ग्रेटर देन 2 की पावर 0 आ गया, यानी कहा जाए तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, 1, है ना। यहाँ पे क्या होगा, log 2x, एक और log 2 लगा देंगे, ये 2 उधर गया, ग्रेटर देन 0, यानी log 2x ग्रेटर देन 2 की पावर 0 क्या होगा, 1। यहाँ पे फिर जो x रहेगा 2 दोबारा उधर जाएगा, बेस जब भी वहाँ जाता है ना तो ये वाला जो नंबर होता है वो बेस की पावर में आ जाता है, ठीक है। तो 2 की पावर क्या आ गया, 1, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये पीछे से शुरू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई n टाइम्स है। n टाइम्स वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक वैल्यूज़ को देखते हैं कि वो एक के लिए क्या काम कर रहा है, फिर 2 के लिए क्या काम कर रहा है, 3 के लिए क्या कर रहा है, 4 के लिए क्या कर रहा है। रिजल्ट देख के फिर हम लास्ट में कह देंगे अच्छा तो nth के लिए भी ये काम कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे शुरू किया। फिर यहाँ आ जाएगा log 2, log 2, फिर एक और log 2x, ठीक है। ध्यान से समझो, दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। ये log 2, ये वाला पहले, ये वाला उधर गया तो ये 2 बच गए ना यहाँ पे, log 2, log 2x, देखना भाई यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा log 2, log 2x ग्रेट 2 की पावर ग्रेटर देन 0, 1। ये 2 आपका फिर उधर जाएगा, log 2x ग्रेटर देन 2 की पावर 1। फिर
ये आपका बचा, अब आपने x निकालना, x ग्रेटर देन क्या होगा, ये 2 वहाँ जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब आप देख रहे हो क्या चीज़ हो रही है, यहाँ देखो, यहाँ है, इसको इग्नोर करो, जब हमने एक log 2x लिया तो 2 की पावर क्या थी, 0, एक 2 है बट 2 की पावर 0, फिर 2 2 आ गए तो 2 की पावर 1, ध्यान से समझो, जब 2 2 वाली केस ले रहे हैं तो 2 की पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और जब 3 ले रहे हैं तो 2 की पावर कितना आ रहा है, 2, अंदाज़ा लगा रहे हो ना कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो यानी 2 के लिए 2 की पावर 1 बन रहा है, 3 के लिए 2 की पावर 2 बन रहा है, यानी जितने नंबर यहाँ हैं उससे एक कम 2 की पावर में। अगला जो होगा ना वो ऐसे होगा, 2 की पावर 2 फिर उसकी पावर 2, क्योंकि ये देखो 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2। चलो एक केस और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2 केसेस हो चुके हैं, 3, अब 3 ले चुके, अब हम 4 लेंगे, log 2 फिर log 2 x ग्रेटर देन 0, पहले ये वहाँ मूव करेगा, ये वाले 3 यहाँ बच जाएंगे, दैट इज़ द 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, फिर ये मूव करेगा उधर, ये वाला रह जाएगा log 2 x ग्रेटर देन 2 की पावर 1, ठीक है, 1 मतलब 2, फिर ये वाला उधर मूव करेगा, कैसे मूव करते हैं ये, अभी मैंने आपको समझाया था, जो ये बेस होगा ना, बेस यहाँ लिखा जाता है, और ये जो नंबर होगा ये कहाँ लिखा जाएगा, उसकी पावर में, ठीक है। अब देखो x तो यहीं रहेगा आपका, और ये बेस वहाँ जाएगा, तो बेस जो है वो तो बेस ही बनेगा, बेस वाला नंबर बेस में लिखा जाएगा, और ये वाला जो नंबर होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, पावर में, यानी 2 की पावर 2, क्लियर होगी बात, ऐसे लिखे जाएंगे। तो ये देखो 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 2 की पावर 2, यानी कितने लिखा जा रहा है, 3। तो जब nth के लिए होगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ x क्या होगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर कितने टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स, क्योंकि एक कम आ रहा है, 1 2 3 4 है तो 2 की पावर 2 2, यानी आप 3 2 यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ कितने होंगे, n माइनस 1 होंगे, 1 2 3 4 n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखो ग्रेटर देन इससे है, मतलब 2 की पावर 2 अप टू n माइनस 1 टाइम्स अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपका x ग्रेटर देन आ रहा है ना इससे, ठीक है, यानी x आपका बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, लेकिन ये ऑप्शन तो आपका कहीं नहीं है, तो क्या ऑप्शन रहेगा, नन ऑफ दीज, करेक्ट। सो यहाँ पे ये डन। अच्छा यहाँ पे अब कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैम ये 2 की पावर n माइनस 1 तो था ऑप्शन, बच्चे ये 2 की पावर n माइनस 1 है, लेकिन आपका आंसर में क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 उसकी पावर 2 उसकी पावर 2, कितने टाइम्स है ये सीरीज, n माइनस 1 टाइम्स, आप इसको 2 की पावर n माइनस 1 नहीं लिख सकते, वो 2 की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई ये n माइनस 1 टाइम्स है ना, लेकिन जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 2 फिर उसकी पावर 2 फिर उसकी पावर 2 इस तरह से, तो दोनों में डिफरेंस है, पावर 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 चल रही है उसको आप n माइनस 1 थोड़ी ना लिखोगे, मल्टीप्लाई में 2 2 2 n माइनस 1 टाइम्स होंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 लिखोगे, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If capital X is equal to this and capital Y is equal to this set, then which one of the following is true? ये दोनों सेट आपके इक्वल होंगे, Y X को कंटेन करेगा या X Y को कंटेन करेगा? देखो बच्चे ध्यान से समझो एक बात, जब भी इस टाइप के ऑप्शन आए ना कि दोनों सेट इक्वल होंगे या कोई किसमें क्या कंटेन करेगा, तो इसका एक सिंपल सा रूल है, आप ये पता कर लो कि इस X के अंदर एलिमेंट किस तरह के हैं और इस Y के अंदर किस तरह के, ठीक है। फिर एक सेकंड का सवाल है कि ये इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर जाएंगे या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, तो इस क्वेश्चन को ना दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो आप इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज भी कर सकते हो, जैसे 8 की पावर n है, 8 को 7 प्लस 1 की पावर n लिख के बाइनोमियल से ओपन करो, ठीक है, वहाँ 49 समथिंग कुछ कॉमन आ जाएगा, यानी 49 की वहाँ टेबल बन जाएगी और 49 की टेबल यहाँ भी बन रही है, फिर वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, नहीं तो मेरी ये एडवाइस रहते जो बच्चों को एग्जाम में याद रहेगी, ठीक है,
कि हमें एन को वैल्यू देनी है, जैसे एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो एन को वैल्यू दे दो 1, 2, 3, फिर यहाँ पे भी 1, 2, 3, और सॉल्व करके देखो कौन से सेट में वैल्यूज आ रही हैं। तो भाई एक तो हम बनाएंगे एक्स सेट और एक हम बनाएंगे वाई, है ना। एक तो हमारा क्या बनेगा एक्स और एक हमारा क्या बनेगा वाई। किसके लिए बनेगा? नेचुरल नंबर के लिए। एन की वैल्यू 1 पुट करी इसके अंदर, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। हाँ जी, पहला 8 की पावर 1 -7 -1, यहाँ 49, एन को 1 पुट किया 1 -1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, फिर एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा, 7 और 8 1 8 8 -8 0, यानी 1 के लिए जो पहला एलिमेंट x के अंदर आ रहा है ये 0 है, और y के अंदर जो पहला एलिमेंट आ रहा है 1 -1, तो ये भी क्या बन गया 0। n को पुट किया 2 इधर, यानी 8 की पावर 2 -7 × 2 -1 = 0, और यहाँ पे n को पुट किया 2, 49 2 -2 2 -1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, अरे जीरो क्यों लगाया, क्योंकि 2 पुट किया है, ये 0 तो इसकी वैल्यू है ना, ये बन गया 49। यहाँ पुट करो 49 × 1, ये भी क्या बन गया 49। ये क्या हुआ भाई, देखो यहाँ पे भी n को 1 पुट किया 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ 49 आ रहा है, 49 आ रहा है, ये तो बिल्कुल सेम आ गए ये दोनों वैल्यूज। तो इन दो वैल्यूज को देख के तुम ये मत समझ लेना कि x और y अब इक्वल हो गए। वेट, जब भी दो वैल्यूज इस तरह से सेम आए तो कम से कम एक एलिमेंट, 3 मतलब 4 एलिमेंट तो कम से कम चेक करो, तभी आपकी ये सिचुएशन क्लियर होगी। तो अगला मैंने n को क्या पुट करा, 3 पुट किया। अभी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना, 8 की पावर 3 -7 × 3 -1, ओके। 8 की पावर 3 जो है वो क्या होता है, 512, ठीक है, 512 माइनस ये हुआ 22, ये आएगा 490, क्लियर। और यहाँ पे n को 3 पुट किया, 49 3 -1, यही है ना n, 3 49 2, यानी 49 का मल्टीपल 2 के साथ। तो अच्छा ये बात देखो भाई, यहाँ 49 का मल्टीपल 1 49 × 2 49 × 3, ठीक है, और यहाँ क्या है, ये सीधा 49 × 10, क्लियर है। बस यहीं से अंदाजा हो गया, कैपिटल वाई के अंदर 49 की टेबल बन रही है, 49 1s 49 2s, अगला देखना 49 3s, अगला 49 4s 49 5s 49 6s 49 7 49 8 49 9s, और उससे अगला आएगा 49 10s, यानी ये वाला एलिमेंट भी इसके अंदर है। अब जरा अंदाजा लगाओ, फर्स्ट सेकंड तो सेम थे, लेकिन जैसे आपने थर्ड एलिमेंट देखा, ये एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन कौन से नंबर पे जा रहा है, पहले दो सेम है, उसके बाद 10वें नंबर पे, है ना। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, और ये बात कंफर्म हो गई कि ये वाले सारे एलिमेंट कहाँ हैं, कैपिटल वाई के अंदर हैं। तो कैपिटल वाई आपका बड़ा सेट हो गया, जो पूरे एक्स को क्या कर रहा है, कंटेन। आप चाहो तो और वैल्यूज भी पुट करके निकाल सकते हो। तो ये सबसे इजी मेथड है कभी भी ये चेक करने का कि कौन सा सेट किस में कंटेन होगा, यानी एक्स हमारा कंटेन होगा वाई में, क्लियर। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से क्या कर सकते थे, अगर हम और करना चाहें, 8 को यहाँ लिख सकते थे 7 + 1 की पावर n -7n + -1, ठीक है, और इसमें बाइनोमियल लगा दो, फिर इसको ओपन कर लो। लेकिन मुझे लग रहा है ये बच्चों को ज़्यादा याद रहेगा, एग्जाम में कोई भी इस जैसा कोई और क्वेश्चन आए तब भी ये इजी है, क्लियर। ये मेथड समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी। अच्छा, कुछ बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल लेकिन वीडियोज़ देख रहे हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप लोग करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं, तो जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपके 20 to 30 minutes आपको DSSB का कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं जो आप एग्जाम में देख सकते हो, सो इट विल हेल्प यू। ओके गाइज,
तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो वैसे आपके यहीं तक है, बट ये नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइज अ फंक्शनल इक्वेशन दिस, वेयर ए इज ए गिवन कॉन्स्टेंट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे वन है। तो बताओ, अगर सिर्फ ये कंडीशन आपको दी हो तो बताइए आपका जो फंक्शन एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू होगी वो इन चार ऑप्शन में से किसके इक्वल होगी। तो ये आपका एच डब्ल्यू है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनका सेट रिलेशन फंक्शन उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, वो इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखना और आपका आंसर करेक्ट है, दैट मीन्स आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक बच्चे ने वेक्टर वाला क्वेश्चंस वीडियो थी कि ओ मैम वो वेक्टर वाले क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, तो वेक्टर वाले क्वेश्चंस की बच्चे मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगी, ठीक है। वेक्टर वाला वो सीरीज आपकी कल से शुरू हो जाएगी। सेट की भी सीरीज होंगी, वेक्टर की भी होंगी। अब आपको दो वीडियोज मिला करेंगे दिन में, तो आप लोग वेक्टर के लिए भी नोट्स बनाइए और सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स, ठीक है बच्चे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।